स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आरोह भाग दो काव्य भाग पाठ चार की कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ा रही हूँ। इस कविता के कवि रघुवीर साहे जी हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। अधिकतर मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोल कर दिखाया जाता है। वे किसी भी विकलांग अथवा अपाहिज को अपने कैमरे के सामने लाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए उससे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछकर उसकी बेबसी को सबके सामने प्रस्तुत करके उसकी पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, जिससे दर्शकों पर उसका मार्मिक प्रभाव पड़ सके। लेकिन इससे उस अपाहिज की भावनाएं कितनी आहत होती हैं, इसका अनुमान वे नहीं लगाते। उसके साथ झूठी संवेदनाएं दिखाते हैं। ये सब वे केवल अपने व्यवसायिक लाभ को बढ़ाने के लिए करते हैं। कवि ने मीडिया की इस व्यवसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। वे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर अपाहिज व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज व्यक्ति इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्न करने वाला कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको, यानी कि अपाहिज को, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन बेतुके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा, यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की व्यवसायिकता पर करारा व्यंग किया है। वे अपाहिज के कष्ट को कम करने की बजाय उसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। वे क्रूरता की तमाम हदें पार कर जाते हैं। कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए, यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो ये सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा को समाज के सामने रख सके
और दर्शकों की मानसिकता है कि वे किसी की पीड़ा के चरम रूप का आनंद लेते हैं, वे भी संवेदनहीन हो गए हैं क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने का इंतजार रहता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। कहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं, वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे, वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा को बताने का प्रयास करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे और साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद करो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे पर समय बहुत महंगा है, यानी कि पर्दे पर समय की कीमत होती है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में काम करने वाले सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।